और देख सकते हैं कि मैंने आधा अधूरा ही शेविंग किया है, यहाँ पे बाल अभी है बिल्कुल जेठालाल के जैसा, यहाँ पे बाल रह गया है। आपके पिताजी का शौक था, इसे आप ले लीजिए। मेरे फादर का शौक, मरने का शौक था क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे यार नायरा खेलेगी खेलेगा बेटा, भाई बहुत अच्छा खेल रहा है। क्या बात है, कहीं से ट्रेनिंग लेके आए हो? अरे हाँ यार, ट्रेनिंग रिटायर है। ट्रेनिंग रिटायर है, ये क्या कर दी? ये सभा पूरा घर में आग लगा के ही छोड़ेगी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जोडियो शोरूम पहुंच चुके हैं, ये देखिए ऊपर। तो यहाँ पे एक से एक फ्री दे रहा है, तो हम लोग रुक गए हैं देखने के लिए। यहाँ पे अम्मी आ गए हैं, देखिए यहाँ अम्मी ही मिल गए हैं। सर दोस्तों वेलकम आपका हमारी न्यू ब्लॉग में। सो आज है संडे, अभी सुबह का 10 बज रहा है, आज उठने में लेट हो गया। आज ठंड तो ज़्यादा नहीं है लेकिन आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। देख सकते हैं धूप अभी नहीं है लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत ठंड लग रहा है। तो आज का क्या प्लान है, आज हम लोग जाएंगे अफजल के शॉप पे। अफजल ने एक शॉप खोला है, एक दुकान खोला है, तो उस दुकान को देखने जाएंगे। तो अभी तक मैं दुकान नहीं देखा हूँ, कैसा खोला है वो। मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि हम लोग दुकान देखने गए थे, तो आज हम लोग वहीं जाएंगे। और सभा के साथ शॉपिंग भी करने जाना है, कुछ घर का सामान है, कुछ पर्सनल सामान है वो खरीदने जाएंगे। तो देखते हैं आज का क्या सीन होता है, तो ब्लॉग के साथ बने रहे। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि शेविंग आज कर लेना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा दाढ़ी निकल आई है, तो सबसे पहले मैं ट्रिमर से अपना शेव कर लेता हूँ। क्या बोल रहे थे आप? सुन लिया ना आपने? नहीं सुने आप, बोलो। शेविंग हम बाहर वाले मिरर में करें? शेविंग बाहर वाले मिरर में करें, कहाँ? इसमें ही गुलाब के फूल वाला में। शेविंग नाली में किया जाता है, नाली के जहाँ पे नाली होता है वहाँ पे। कौन बोला? कौन बोला ऐसा? कौन बोला क्या? वहाँ पे गंदा होगा, जैसे यहाँ पे ये बोल रही है करने के लिए, इधर गिरेगा तो यहाँ पे सफाई करने में दिक्कत होगा, वहाँ से मुझे और दिक्कत होता है। और अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये इसमें चला जाएगा। सभा का कहना है कि उधर किया जाए। बोलो जी हाँ, इधर किया जाए। कैसे, क्यों? मुझे आसानी होगी क्लीनिंग में। अच्छा आसानी होगा। दोस्तों शेविंग करते करते मेरे ट्रिमर का बैटरी डाउन हो चुका है, और देख सकते हैं कि मैंने आधा अधूरा ही शेविंग किया है, यहाँ पे बाल अभी है बिल्कुल जेठालाल के जैसा, यहाँ पे बाल रह गया है। तो जल्दी से मैं इसे पहले चार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ये शेविंग को कंप्लीट करता हूँ। अच्छा ये कौन कौन नया एक्टिविटी करने लगा? अपने पैरों को पकड़ता है। अच्छा, और जो हम बोलते हैं उसको रिपीट करता है। रिपीट भी करने लगा है। और ये बदमाशी बहुत ज्यादा करने लगा, बदमाशी करने लगा। दवाई पीने में रोता है, दवाई पीने में चला दो तो दवाई आसानी से पी लेता बगैर रोए। धीरे धीरे इसका एक्टिविटी बढ़ रहा है, आप इसके सारे एक्टिविटी को शॉर्ट्स में देख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स में डालूंगा यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। बाबू फाजिल, ओ अरे आगू नहीं, ओ अगू बोलो तो ओ बोलेगा, ओ बोलो तो अगू बोलेगा। ये भाई यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हुआ? अरे स्टार्ट नहीं हो रहा यार, बहुत देर से परेशान हूँ मैं। खराब हो गया का? लग तो रहा। तो बनवाए थे ना इधर? हाँ यार बनवाया था मैं। तो क्या हुआ फिर? वो बना तो दिया उस वक्त तो ठीक था, उस ऊपर से फिट फाट अंदर से मोकामा घाट। पैसा नहीं दिए थे का उसको पूरा? नहीं यार दिए थे, नहीं पूरा पैसा दिए थे। यान कहाँ जा रहा है? गाड़ी पे जाएगा? कहाँ जाएगा? गाड़ी पे। तू भी जाएगी घूमने? कहाँ जाएगी घूमने? गाड़ी पे घूमने जाएगी। हाँ हो गया स्टार्ट? हो गया नहीं यार। नहीं होगा स्टार्ट, बनाना पड़ेगा। दम तोड़ रहा है। आखिरकार गाड़ी चालू नहीं हो पाया। हाय थक गए हैं गाड़ी चालू करते करते। मेन बात है ना, गाड़ी काफी दिन से लगा रहता है, चलाते नहीं है ये, ठीक है। बाहर चले जाते हैं तो गाड़ी चलाते नहीं है, इसके वजह से रखा रखा थोड़ा जाम पड़ गया। तो गाइस फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गया है, काफी मेहनत के बाद भाई ने गाड़ी को स्टार्ट ही कर दिया। हेलो गाइस, ये देखिए रियान बैठा हुआ है घूमने के लिए। हवा में उड़ेगा। बहुत मेहनत लगा ना? बहुत मेहनत लगा यार, बहुत मेहनत लगा चालू करने में। रियान और आयरा जो है इंतजार कर रही थी कि कब ये गाड़ी ठीक हो कि ये जाए घूमने के लिए।
दोस्तों अफजल के पास मैं आज नहीं जा पाया क्योंकि अफजल आज दुकान नहीं खोला है। तो खैर अभी हम लोग यहाँ पे बैडमिंटन खेलने वाले हैं। जोया भी बैडमिंटन लेके आई है और भाई भी आ गए हैं बच्चों को घुमाकर गाड़ी से। तो अभी हम लोग साथ में खेलेंगे, मजा आएगा। तो चलिए अभी हम लोग बैडमिंटन खेलेंगे। रेयान रेयान आ रहा हल्के हल्के दो लो ना। ये आपके रिश्तेदार थे नहीं, ये आपके परिवार थे नहीं। रो क्यों रहे हो भाई? पैर पैर दीजिए, बॉडी टच, बॉडी टच। हमें चमकता है उधर हो गए टच हुआ हो गए हाँ हो गए नहीं ओके नहीं ओके नहीं आप लोग चोरी कर रहे हैं। चोरी कहाँ कर रहे हैं यार, हम लोग शरीफ हैं। वो दिखने में ही दिखता है। दे दीजिए भाई साहब, गुड लक का दे दीजिए वो भी। पहले बचपन में दीजिए। हो गए, अब तो हो गए। हम पॉज कर रहे हैं, सीधा ही मारना। आपके पिताजी का शौक था, इसे आप ले लीजिए। मेरे फादर का शौक, मरने का शौक था क्या? नहीं। रेयान आयरा खेलेगा बेटा। भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं, क्या बात है। कहीं से ट्रेनिंग लेके आए हो? अरे हाँ यार, ट्रेनिंग रिटायर है। हो गया। अरे हाँ, हो गया। ये देखिए भाई यहाँ पे चोरी करते हुए। लग के होगा जब है ना फाजिल हुआ था। हाँ। पैदा तो अब एक ब्लॉग बनाए थे ना। हाँ ब्लॉग बनाए थे। बोले थे कि हम, मैं बहुत खुश हूँ, मैं पापा बन गया हूँ। हाँ देखिए, देखा कहा। हाँ। ये देखिए श्यान भी मेरा ब्लॉग देख रहा है, अब मेरा ब्लॉग वायरल हो जाएगा। श्यान देख लिया, एक लाइक भी कर दिया। ये क्या कर दिए, ये सभा पूरा घर में आग लगा के ही छोड़ेगी। क्या हुआ, मतलब फट गया वो रबर, ढीला हो गया तो उसको ठीक करिए। ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा, कभी मुंह उधर रहा पूरा धुआं हो गया। धुआं देखिए, सब में पानी हो गया। हाँ रबर ढीला हो गया, रबर चेंज करना होगा। उसके वजह से उसमें गिर रहा था, काम बढ़ गया जब। देखिए मम्मी खिला रही है। क्या हुआ, इतना काहे रोता है, इतना काहे रोता है? गोदी, खाली गोदी को, खाली गोदी। दोस्तों फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, सभा तैयार हो गई है, फाजिल को लेके यहाँ पे बैठी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे जोडियो शोरूम, एक नया शोरूम खुला इधर, बहुत ही अच्छा शोरूम है वो। तो सबसे पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे कुछ कपड़े, अगर पसंद आ गया तो ठंड के कुछ कपड़े लेने हैं हमें, और कुछ जरूरत का सामान लेना है ना। हाँ। तो चलिए निकलते हैं फिर। ये देखिए गाड़ी का चाबी मेरे पास है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जोडियो शोरूम पहुंच चुके हैं, ये देखिए ऊपर। तो अब हम लोग अंदर चलते हैं, चलो।
शावर जेल। तो हम लोग को यहाँ पे थर्मल जो ढूंढने आए थे, इनर वेयर, वो थर्मल तो यहाँ है ही नहीं है। सारा कुछ है लेकिन थर्मल नहीं है। फिर भी हम लोग देखेंगे, अगर मिल गया तो ले लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से निकलेंगे। सभा यहाँ पे देख रही है, नया शोरूम है, काफी अच्छा बना है, काफी अच्छा लग रहा है। फाजिल उठ गया, बाबू इधर देखो, ये भी देख रहा है पूरा मॉल यार, देख रही हो उठ के है? बाबू क्या देख रहा है, क्या दिख रहा है? नवाब, अच्छा सबा जो है जूता देख के ये बता सकती है कि कौन सा इंसान इस जूते को ज्यादा पहनता है, वो बताओ। ये वाला जूता देख के मुझे बड़े भैया याद आए। बड़े भैया, अच्छा हाँ बड़े भैया ऐसे जूता पहनते हैं। और ये देख के लगता है काजमी। इसको देख के काजमी याद आ गया। दोस्तों यहाँ से हम लोग को वैसा कुछ पसंद आया नहीं, जो चीज हमें लेना था वो यहाँ है नहीं, है ना, वो यहाँ है ही नहीं। हम लोग को थर्मल लेना था अंदर वाला, तो नहीं है यहाँ, तो हम यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कहीं और देखते हैं, अगर मिल गया तो फिर ले लेंगे। अभी ये शोरूम थोड़ा नया खुला है तो यहाँ बहुत सारी चीजें अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अभी ये शोरूम और भी बनने वाला है, चलिए फिर निकलते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक ऑफर सेल चल रहा है, एक पे एक फ्री, यहाँ पे एक पे एक फ्री लेने के लिए आ चुके हैं। अमेजन स्टोर मेगा मार्ट में क्वालिटी के उलट कपड़े की खरीदारी, ऊपर से एक और मुफ्त। हाँ करते हैं, पहले तुम देखो ना, ये वाला ठीक लग रहा है ना, हाथ से छू के देखो ना। तो यहाँ पे एक पे एक फ्री दे रहा है, तो हम लोग रुक गए हैं देखने के लिए, तो एक पे एक फ्री क्या है, रेट ज्यादा करके उसे बस डिस्काउंट में दे रहे हैं। यहाँ पे हम भी आ गए हैं, देखिए यहाँ हम भी मिल गए हैं, प्रॉफिट लेकर। और देखिए भाई भी आ गए हैं यहाँ पे, देखिए भाई भी यहाँ पे मिल गए हैं, वो भी स्वेटर लेने आए हैं, और यहाँ हम भी आ गए। अच्छा रेट जो है ना, रेट ज्यादा करके ये लोग दे रहे हैं, और उसी को 40% और एक पे एक फ्री। अम्मी भी यहाँ पे मिल चुकी है, अम्मी आए हैं कपड़ा लेने के लिए। देखिए भाभी भी आ गए हैं, ये देखिए भाभी भी आ गए हैं स्वेटर लेने के लिए। तो हम लोग तो सारा परिवार हम लोग यहाँ पे मिल चुके हैं और मिल के कपड़ा ले रहे हैं। अभी निकले रेट बहुत ज्यादा है, बस देखने का एक पे एक फ्री है लेकिन रेट काफी ज्यादा है। तो हम सब निकल रहे हैं, देखिए नीचे सभा भाभी है और हम यहाँ पे, तो हम लोग एक पास में विशु है वहाँ जाएंगे, वहाँ रेट बहुत ही रिजनेबल लेता है, तो हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, तो चलिए फिर वहाँ देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ आ गए हैं वैल्यू एंड वैरायटी V2, यहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े रहते हैं और रिजनेबल प्राइस यहाँ लिया जाता है। तो अम्मी पापा भैया लोग सब अंदर चले गए हैं, तो अब मैं भी जा रहा हूँ, तो फटाफट अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ क्या पसंद आता है। है मेरे पास है वाला, ठीक है। कितना हुआ? 425। 425। आज सवा पेमेंट करेगी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग सामान खरीद लिए हैं,
और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये अम्मी सपा और भाई और भाभी अभी बाहर है, ये देखिए। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग घर पे पहुँच गए हैं और ये जोया भी ऊपर आई हुई है, देख रही है कि हम लोग क्या क्या लाए हैं। तो ये हमने एक फ्लोर रग लिया है और एक फ्लोर स्लीपर लिया है, ये दिखा दो, ये सब दिखा रही, ये फ्लोर स्लीपर लिया है। तो काफ़ी लेट हो गया इसकी वजह से और भी हम लोग शॉपिंग नहीं कर पाए, तो घर पे आ गए हैं। अब नेक्स्ट टाइम कभी शॉपिंग और कर लेंगे, अभी और भी चीज़ें लेनी थी लेकिन नहीं ले पाए, लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो चलिए व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। और ज़रा कुछ कहना चाहेगी? नहीं। क्या कहना चाहेगी? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना चाहेगी।